गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। नाउ चिल्ड्रेन हैव देयर कमांड एट सेक्रेट लैंग्वेज। जो बच्चे होते हैं उनकी एक अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, सेक्रेट लैंग्वेज, जिसे जो होता है फॉरेन टू ग्रोन अप टू ऑल टुगेदर, जो होता है बड़े लोगों के लिए होती है, फॉरेन मतलब अजनबी होती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, सन, मून, परहैप्स इवन विद ऑलमाइटी, और जिसमें इस लैंग्वेज के द्वारा जो होता है वो सभी चीज़ों से बात करते हैं, पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सूर्य से, चंद्रमा से, शायद शक्तिशाली ईश्वर से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज आइदर एड्रेस्ड हर रिमार्क टू लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन, और जो होता है इस लैंग्वेज के द्वारा साइदा जो होती है वो जो लास्ट किरण बची थी सूर्य को, उसको एड्रेस कर रही है। डियरेस्ट सिस्टर, डू यू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, क्या तुम कल आओगी, मतलब प्रिय सिस्टर बहन, क्या तुम कल जो है वार्म और ब्राइटनेस के साथ आओगी, सूर्य को संबोधित कर रही सूर्य की किरणों को। यू सी माई मदर इज इल, नीड्स योर हेल्प, तुम देखती हो कि मेरी माँ जो है बीमार है और तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। स्योरली आंसर द लाइट, लाइट ने उत्तर दिया, डोंट लुक अनहैप्पी, मतलब दुखी मत हो, वी विल बी हेयर आर एट द फिक्स आवर, हम लोग जो सही समय पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन स्प्राइटली सनरेज एम्ब्लिश्ड देमसेल्व फ्रॉम जर्नी डाउन टू अस, अब अगले दिन भी जब होता है जो सूर्य की किरणें सजी हुई अपने आप को जब जर्नी तय करती है पृथ्वी की तरफ, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो जर्नी जब होती है उसकी पृथ्वी की, द सन सेट, सन ने कहा इट इज आवर डे ऑफ अगेन, हमारा दिन आज भी जो होता उसी तरह हो गया कि मतलब हमारी किरणें जो है जमीन तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ रुके रहें। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो रोड जो होता है अर्थ की तरफ वो जो है ब्लॉक कर दिया गया इन क्लाउड्स के द्वारा, इन बादलों के द्वारा। द लिटिल रे सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट देम रिमाइंड क्वाइट, जो छोटी किरणें हैं वो भी जाना चाहती थी, मतलब हल्की हल्की किरणें भी अपना आना चाहती थी पृथ्वी पर, लेकिन वो भी जो होता है शांत रहें क्योंकि वो ब्लॉक कर दी जाती है बादलों के द्वारा। वन ऑफ देम उनमें से एक ने सोचा, हु मेड ए पैक्ट विद द लिटिल साइड द सेट, यानी कि कौन जो है कौन बनाएगा एक पैक्ट समझौता विद लिटिल साइदा से, साइदा सेड, जैसे कि साइदा ने कहा है, सर आई कांट स्टे बैक, मैं स्टे बैक मैंने वापस नहीं जा सकता, आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल, नीड्स योर हेल्प। अब सूर्य जो कहता है कि सूर्य की रोशनी जो कहती है कि मैं वापस नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैंने साइदा को वचन दिया है, वर्ड्स दिया है, वादा किया है, जिसकी माँ बीमार है और हमारी हेल्प की आवश्यकता है। I will pierce through the clouds to reach साइदा कोटार्ड, मैं जो होता है क्लाउड को चीरते हुए जो साइदा के कोटार्ड में आंगन में पहुँचूंगी, कौन कहे सूर्य की कीड़े कह रही हैं। How else will be her mother be cured, कैसे उसकी माँ जो अगर हम लोग नहीं पहुँचेंगे उसकी माँ कैसे क्योर होगी। Hearing this, ऐसा सुन करके जो होता है all the ray nearly stage revolt against their father the sun, जो सभी किरणें थीं सूर्य की वो अपने पिता के वृद्ध क्या कर दी, वृद्ध हो गई कि हम लोग जो है वो जो सभी कीड़े सूर्य की थीं वो सब, जैसे कीड़ों को जो होता है सूर्य को पिता माना गया है इसमें कीड़ों के पिता, तो कहते हैं सभी कीड़े एकत्र हो गई और जो होता अपने पिता का विरोध करने लगी, पिता उनका मतलब सन। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, मतलब जो होता कल्पना करना बैक मतलब वापस आना अगेन कल्पना नहीं हो सकता, दिस इज सिंगल वॉइस, हम लोग वापस नहीं हो सकते, मतलब जो होता है कि हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। व्हाट विल पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, यानी कि पृथ्वी के लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, दैट वी ऑफ हेवंस हैव टर्नड लायर्स, कि हम में से हम जो स्वर्गवासी स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं लायर्स हो गए हैं, झूठे हो गए हैं। द सन रिलेटेड, जो सन जो है मान गया, प्लीज अवर सोल्स ही सेड माइंड योर क्लोथ थ्रो द क्लाउड्स आर मकी, एक काम करो तुम लोग ठीक है लेकिन अपने कपड़े को ध्यान रखना क्योंकि जो क्लाउड्स हैं जो बादल हैं वो काफ़ी मतलब गंदे हैं, वो तुम लोगों को मतलब छे वो क्या घेर लेंगे, मतलब जाने नहीं देंगे सब तुम्हारी कीड़ों को नीचे। नेवर माइंड आवर क्लोथ, हमारे कपड़ों का मत सोचिए, वी कैन ऑलवेज चेंज, हम जो हमेशा बदलते रहते हैं, बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना चाहिए। एंड द रेस रश टुवर्ड द अर्थ, और जो कीड़े हैं वो पृथ्वी तक बढ़ी। द क्लाउड्स टू गार्ड बिटवीन देम साइदा कोर्टयार्ड, और जो क्लाउड्स बादल हैं सूर्य की कीड़ों और साइदा के कोर्टयार्ड में एक बाधा बनकर खड़े थे। द लिटिल रे फोकस देयर हिट दे हैड इनफ ऑफ इट,
अब जो लिटिल दे किसी तरह अपने हिट को ले गई, और जो होता है जो इसके लिए दे हैड इनफ ऑफ इट, उसको रास्ता मिल गया ऑन बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो रास्ते में बटालियन ऑफ क्लाउड्स की थी वो सब इसमें निकलने लगी, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम दैट स्पॉट। अब जब ऐसा होने लगा, जब सूर्य की रोशनी नीचे तक आने लगी, तो जो ये क्लाउड्स थे अपने पोर्ट से छोटे छोटे भागने लगे, इसका मतलब जब सभी क्लाउड्स चले गए, द रेज गो थ्रू सोथिंग पास्ट बिल्डर क्लाउड्स। अब जो होता है, अब जो रेज निकलने लगी उससे चीर करके, तो जो होता शूटिंग पास्ट बिल्डर क्लाउड, जो एक घबराए बादल थे अब भागने लगे सब पीछे, देवर ऑलरेडी लेट, वे सोचे कि वे बादल सोचे कि वे ऑलरेडी लेट हैं, मैंने इनको नहीं रोक सकते हम इन किरणों को। साइदा सा होल हॉस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हर्ट लिफ्ट विद जॉय। अब साइदा जो देखती है अपने उस होल हॉस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग बढ़ रहे हैं, और हर हार्ट लिफ्ट विद जॉय, उसका जो हार्ट है जो उसका हृदय है जॉय से भर जाता है। सी शाउटेड, वह चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, सूर्य यहाँ है, कम आउट आओ। द ओल्ड लेडी आई वेल्ड विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो ओल्ड लेडी की आँखें जो भर आई कृतज्ञता से। हर चारपाई वाज प्लेज इन द कोर्ट यार्ड, उसकी जो चारपाई है ओल्ड लेडी की कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन में लगाया गया। सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइंग अगेंस्ट बोलस्टर, और जो होता हुआ वहाँ एक घंटे बैठी रही आंगन में ओल्ड लेडी जो। अब जो तो इट हैड बिन मंथ सिंस द सी हैड फेल द सन हर हैंड एंड फेस द ब्रीथेड इन फ्रेश एयर, यह महीनों हो गए थे कि उसने जो होता है अपने चेहरे पे अपने फेस पे सूर्य की किरणें महसूस किया हो और फ्रेश हवा लिया हो। सी थॉट शी वाज़ ए न्यू वर्ल्ड, वह सोची कि वह एक नए संसार में है। दो पेल हर फेस ग्लोड हर आईज सोन ब्राइट, उसका जो चेहरा पीला पड़ गया था वो चमकने लगा और उसकी आंखें भी चमकने लगीं। सी साव हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट किस्ड हर, उस उन्होंने वो देखी कि उनका जो उनकी बच्ची है जो है वो सनलाइट का काफ़ी आनंद ले रही है, एंड किस्ड हर उनको भी किस की है, सईदा अपनी माँ को किस भी की। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन न्यू फ्रेगनेंस फॉर नियर बाई फ्लावर्स, अब जो मॉर्निंग एयर थी वो जो होता जो नए सुगंध जो नियर बाई फ्लावर्स थे जो फूल थे उनके लिए सुगंध नई लाई। द बर्ड्स चैंटेड ए न्यू टोन, जो बर्ड्स हैं वो बोलने लगी। सईदा मदर फेल बेटर ऑलरेडी, अब जो सईदा की माँ है अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं। सी वॉज फुल्ली रिकवर्ड नाउ, वह जो पूरा ठीक हो चुकी हैं। बट सी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन वो फिर भी जो है डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रही हैं। एन आवर ऑफ सन लाइट, एक घंटे की सन लाइट एंड लंग फुल साफ फ्रेश एयर एवरी डे, और जो होता है एक घंटे की वो फुल एयर लेती खुले में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।